अब सुने, वक्त कैसे बदल गया है पाकिस्तानियों। एक अंग्रेजी में सेइंग है कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, मतलब कि जब आप दरिया पार कर रहे होते हो तो वो दरिया नहीं रहता, वो पानी निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। ये नया टाइम आ चुका है और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती। तो पाकिस्तानी कौम बेदार है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। डटके खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अब ये सुने, हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और वो मैं अभी आगे बताता हूं। पाकिस्तानी कौम ने, नौजवानों, पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। मैं यही इसलिए आपको आज बुलाया था मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको बुलाया इसलिए था, जो एक डेमोक्रेट होता है वो आवाम के पास जाता है, वो किसी के पास झुकता नहीं, हाथ नहीं फैलाता, अपनी आवाम के पास जाता है। हेलो, आ रही आवाज? फिर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आवाज आनी चाहिए। हेलो, हाँ, शाबाश। और उसको स्पीकर को सही रखें क्योंकि आवाज नहीं आती। अच्छा जी, हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें मिलता है, लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है।
शाह महमूद ने अभी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा कि मुल्की मफाद, हमें धमकी दी गई है। लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे।